मॉर्निंग गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो आज है ये संडे का ब्लॉग है, यानी कि 4 तारीख। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अभी बज रहे हैं लगभग 5:45 का टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद मॉर्निंग में ना रात में कितने भी काम करके सारे फिनिश करके अगर आप सो जाइए, लेकिन सुबह मॉर्निंग में कुछ ना कुछ बर्तन निकल आते हैं। क्योंकि रात में मैं लास्ट में गुनी के पापा के लिए रोटी सेकती हूँ, तो वो तवा और बेलन और खाई हुई 1-2 प्लेट ये सब रह जाती हैं। तो झाड़ू लगा के और पोछा लगाना होता है, तो पोछा टाइम नहीं रहता तो बाद में लगाती हूँ। उसके बाद फिर बर्तन धुल के और फिर मैं चली जाती हूँ नहाने, और अम्मा को चाय दे देती हूँ। मैं तो पीती नहीं हूँ, मैं बाद में ही पीती हूँ पूजा करने के बाद में। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैं अब चल रही हूँ पूजा करने, और सुबह के लगभग बज रहे हैं अभी 7। तो 1 घंटे मुझे लग जाते हैं झाड़ू लगाने में। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग का टाइम है और मेरी डेली रूटीन की मतलब जितने भी काम थे मॉर्निंग वाले वो हो गए हैं। झाड़ू लगा लिया है और सब कुछ कर लिया है, नहा के अब चल रही हूँ पूजा करने। और आज मैंने मतलब थोड़ी सी कम शेयर की आपके साथ, पोछा वगैरह नहीं लगाया क्योंकि हाथ में मेरे बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि वैक्सीनेशन की 2nd डोज मैंने ली है और इतना ज़्यादा पेन है ना कि मैं आपसे बता नहीं सकती। एक बार के लिए तो मैंने सोचा कि आज कुछ भी नहीं करूँगी, कोई भी मतलब ब्लॉग नहीं शेयर करूँगी, बट मैंने सोचा कि आज इतने दिन बाद फ़ोन मिला है, सैटरडे संडे 2 दिन मिलता है क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं चलती, तो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और गुनी शरद को भी फीवर हो गया है। दीदी कहाँ है? सही बाबू, हाथ दर्द कर रहा बाबू। चलो जाओ लेट जाओ, आराम से लेटो, घूमो नहीं, ठीक है, हम पूजा करने जा रहे हैं। इस समय जैसे लगता है ना कि मैं 5 के 5 स्वस्थ पड़ गया, मैं थोड़ा ठीक थी तो वैक्सीनेशन की वजह से डाउन कर गई हूँ एकदम से। तो चलिए मिलते हैं आपसे पूजा करने लेने के बाद। ये देखिए यहाँ पर गुनी के भी फीवर है, तो गुनी को मैं पट्टी रख दे रही हूँ और मैंने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद फिर मैं गुनी के पास आई थी और नहीं उठाया, मैंने कहा आराम करेगी अभी। और शरद भी यहाँ पर बाहर आके लेट गए हैं। क्या तो फिर अंदर पंखा चल रहा है, अंदर जाओ, मतलब बिना हाँक रहे हो, जाओ कमरे में जाओ, जाओ कमरे में जाओ, आराम से लेटो, पंखा चल रहा है, ओढ़ लो, ओढ़ के लेटना, ठीक है। सो गाइस, पूजा मेरी हो गई है और टाइम जो हो रहा है वो देखिए, आप देख सकते हैं 8:15 बज रहा है। आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया, इसलिए आपको उल्टा दिखेगा। अब चल रही हूँ कुछ खाने पीने की तैयारी करूँगी और पहले बर्तन सेट कर दूँगी। बर्तन धुल के मैं ना थोड़ी देर रख देती हूँ, सारा पानी इसका सब निकल जाता है, उसके बाद ही फिर उसको लगाती हूँ। और तबीयत सही है बट हाथ में इतना दर्द है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए खाना बना लेती हूँ, देखते हैं क्या बनाते हैं। फिलहाल नॉर्मल खाना ही बनाऊंगी और शायद चावल ना बनाऊं क्योंकि बच्चों को भी फीवर है, उनके पापा में जाने से पहले बालों को खांसी वगैरह है, चावल तो नहीं बनेगा। ऐसे एक रचा लगा लेती हूँ, सारे काम से जब फिनिश होती हूँ तो उसके बाद फिर जो है ना मैं अपने बालों को सुखाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, बाल खोल के किचन में आना नहीं अच्छा लगता है कि बाई चांस कहीं से किसी चीज़ में बाल पड़ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं पहले दाल चढ़ा दे रही हूँ, तो जब तक मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी ना तो गुनी शरद को भी दूँगी, वो लोग चाय पी लेंगे और चाय से टोस्ट वगैरह कुछ खा लेंगे, तो उन्हें दवा देनी है। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी, उसके बाद मैं चाय चढ़ा रही हूँ, तो जब तक चाय पियेंगे उसके बाद तब तक दाल भी बन जाएगी ना, तो फिर थोड़ा सा काम जो है ना जल्दी हो जाता है फास्ट एंड फास्ट। तो दाल यहाँ हो मतलब हो रही है और चाय भी हो रही है, तो बस चाय बनाकर और अपने लिए गुनी के लिए और शरद के लिए जाऊंगी कमरे में, और जब तक मतलब दाल का जो प्रेशर है वो रिलीज़ होगा तब तक मैं चाय भी पी लूँगी। तो इस तरह से वेट नहीं करना पड़ता है, कुछ एक काम के पीछे अगर दाल चढ़ा दो तो दाल ऐसे हो जाती है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी और आगे मिलते हैं आपसे बाद में। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.
तो गाइस दाल बन गई थी, तो उसी कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिया है। दाल में आज मैंने पानी ज़्यादा डाला था, थोड़ा सा गुनी शरद को देना था, इस वजह से कुकर देख लीजिए अच्छी तरह से पूरे अच्छे तरह से गंदा हो गया। तो मैं यहाँ पर दोनों लोग को दाल का पानी दूँगी, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दाल का पानी बच्चों के लिए, तो इतना ज़्यादा है, वैसे बड़े भी पी सकते हैं काफ़ी, मतलब इससे इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। ये सब चीज़ें ना देसी तरीके से बहुत ही शरीर को मतलब ताकत देती हैं। तो गुनी को देखिए आप कैसे मुँह बना बना कर पिए, इसे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। और मैं चली गई थी उधर आटा लाने के लिए, और गर्मी इतनी ज़्यादा है गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को शूट करने में, बनाने में, करने में। और प्लीज़ वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सैट चैनल को, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटी, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. So guys, roti maine sekh li hai, aur sabse kathin kaam hota hai roti banana, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं बनानी होती, मुश्किल से 12 या 13 रोटी बनानी होती है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप, ये देखिए जैसे लग रहा है ना मेरे हाथ धुला है बस अभी जस्ट, तो ये देखिए ऐसे ही पूरी साड़ी पूरी मतलब कपड़े सब पूरे फेंक जाते हैं। कोई नहीं, ये तो हमारा काम ही है डेली का। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, खाना बन गया है आप भी आ जाइए खा लीजिए, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो ये देखिए खाना किसी ने नहीं खाया है, और एक बार मैं बर्तन धुल के नहाने गई थी और उसके बावजूद फिर से इतने बर्तन हो जाते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो मैं रोटी सेकने आटा जब भी गूंथती हूँ ना, तो मैं लगे हाथ हाथ धुलने के साथ बर्तन भी धुल लेती हूँ, तो इस तरह से एक पंथ दो काज हो जाते हैं, हाथ भी साफ़ हो जाता है और बर्तन भी धुल जाते हैं, सिंक हमारी भरती नहीं है। तो खाना रेडी है, ये देख लीजिए दाल चावल रोटी सब्जी और अचार। तो ये मॉर्निंग्स, अरे सॉरी मतलब गुड आफ्टरनून का टाइम है, और मेरे हाथ में इतना पेन था ना कि मैंने सर से कहा कि भैया बेड सीट थोड़ी सी पकड़ लो, बिछ जाएगी जल्दी से। हाथों में पेन होने के बावजूद भी हम लेडीज़ों का क्या है कि घर के जो काम होते हैं वो हमें करने हैं तो करने ही हैं, किसी का प्रेशर नहीं है, लेकिन हमें खुद से किसी चीज़ के लिए टेंशन होती है तो वो काम करना ही होता है। तो ये देखिए हमारे कान्हा भी आ चुके हैं, तो दोपहर से ये हमारे साथ ही रूम में आ जाते हैं, क्योंकि हमें गर्मी लगती है, हमें कूलर पंखा चाहिए, तो इन्हें भी तो चाहिए ना। हमारे घर के एक सदस्य ये भी हैं, छोटा समझ लीजिए या बड़ा समझ लीजिए, तो भगवान रूप में समझिए या बच्चे के रूप में समझिए, तो कैसे भी समझिए। तो इन्हें मैं यहीं पे बैठा दे रही हूँ, ये मेरी सिलाई मशीन है ना, इसी पे बैठा दूँगी, शाम का जब दिया का टाइम होगा तब फिर वापस मंदिर मिले जाऊँगी। इन्हें सारे काम ख़त्म हो गए हैं और बज रहे हैं अभी एक, और अब मैं चल रही हूँ कुछ अपने मतलब वीडियो का काम करूँगी, एडिटिंग करनी है और वीडियो को अपलोडिंग पर डालना है, और काफ़ी लेट हो जाता है गाइज, और बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, और जो करते हैं उन्हें ही पता है। तो प्लीज़ आप सबका सपोर्ट चाहिए, और यहाँ तक लाए हैं वैसे आगे भी ले जाइए, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स पे अपनी फैमिली में लाइक शेयर कर दीजिए ना, तो फिर मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर गुनी शरद भी लेटे हुए हैं, फीवर में कुछ मतलब रिलीफ है बट कमजोरी आ जाती है कुछ ज़्यादा ही। गाइस तो फिर अभी शाम हो गई है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश भी हुई थोड़ी बट अभी बंद है। तो मैं चल रही हूँ बनाने मैगी, और मतलब ऐसे मौसम में ना कुछ खाने का मन करता है स्पाइसी सा, तो चलिए बनाते हैं मैगी। पहले मैं लड्डू गोपाल के लिए बना लूँ, उनका निकाल के किनारे रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं बाकी सबके बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। एक बार अगेन फिर से मैं कहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. तो गाइस लड्डू गोपाल की मैगी मैंने बनाकर साइड में रख दी, और उस साइड पे चाय चढ़ा दी, और इधर तब तक मैंने कढ़ाई में जीरा डाल के तब तक आलू पका लिया था, क्योंकि टाइम नहीं था ना, देर हो रही थी, शाम के टाइम में गुनी के पापा को निकलना भी था खा के।
तो मैंने इसमें लास्ट में प्याज डाल दिया, उसके बाद आलू हो ही चुकी है और टमाटर ऐड कर दिया है और बस इसे पका लिया, थोड़ा सा ऊपर से हल्दी और बहुत थोड़ा सा जो डेली यूज़ में सब्जी यूज़ मसाला यूज़ करते हैं ना वो डाल दिया था और पानी डाल दिया था बस। उसके बाद बॉयल होने लगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत थोड़ा नमक डाला था और जो मैगी के साथ टेस्ट मेकर मिलता है ना वो वाला मसाला भी इसमें ऐड कर दिया था। और ये देखिए मैगी में मैंने डाला है आज पनीर ग्रेट करके, इतना अच्छा लगा ना कि एक बार के लिए सब लोगों ने ये सोचा कि मम्मी ने इसमें चीज़ यूज किया है, बट मैंने चीज़ वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया था, मैंने पनीर ही डाल दिया था। और ये देखिए मैगी डालकर अब आप चाहे तो इसे खुला ही पका लीजिए या फिर आप इसे ढक दीजिए, तो मैं मीडियम फ्लेम पे इसे एक बार ढक देती हूँ ना तो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, कम टाइम में और जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए लगभग दो से चार मिनट में लगभग बन गई थी और मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो शाम का टाइम है, बारिश का मौसम है, स्पाइसी सी चीज़ी सी मैगी बनकर रेडी है। आप भी आ जाइए और इन्जॉय करिए बारिश के मौसम में इस मैगी को। सो गाइस हम लोग यहाँ पे मौसम का मज़ा ले रहे हैं, गुनी वहाँ पर लेटी हैं, तुम भी आ जाओ ना। और मौसम बहुत अच्छा है इसलिए यहाँ पे बैठ गया है थोड़ी देर, क्योंकि कभी कभी बाहर बैठना भी अच्छा लगता है। और आज मतलब कि कपड़े वपड़े भी नहीं धुले थे मैंने, इसलिए कुछ यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, मुँह खाली खाली सा दिखेगा। तो बस अब यहाँ पर वीडियो का एंड भी करूँगी और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, और आपका एक लाइक शेयर मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। और जल्दी जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को और ग्रो कराइए, जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए प्लीज़। तो बस अब करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।